Are you? गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू दिस ब्लॉग। मेरे सामने जो धान का खेत था, कल लगता है इसकी कटाई हो गई मेरी ना मौजूदगी में। अभी भी ठंडी उतनी कड़क हुई नहीं है और जो ठंडी का आनंद है वो सिर्फ सुबह सुबह मिलता है, जैसे अभी 6 से 7। इसके बाद जैसे जैसे धूप होगी कड़क होता जाएगा, अभी वो कोहरे वाली ठंड नहीं है। आइए लौकियो हो, बाबा सुंदर दादा एक बार फिर से हमारे दरवाजे पर आइए। बहुत कुछ लिया था, मेथी इतनी बढ़िया लिया है, मेथी हरदम तो बढ़िया लिया वाला। हाँ तब पपीता ना लिया ना लिया ये कहले ना ले अब ले तो से हम 2 दिन से कहते लिया दिन कहले रहना तब मेथी तो बड़ी बड़ी हो, बड़ी बड़ी है तो का करी तू बड़की दिल ले चटकी हो कहाँ बढ़िया हो जाई मेथी में का पता का पता पता लगा ले तब। और तो हर फ्रिज ये चला था। हाँ फ्रिज चला था। हाँ आजकल का ठंडा हुआ था हमें, आज का दूध ढह जाला दूध। हाँ। माठा उठा था जान है गर्मी में, गर्मियाँ में जब ले आई तब तो मंठुआ खौल जाए खौल जाए तोरे फ्रिज ही ना है बता वाले अगला YouTube से जितनी कमाई हुई अब फ्रिज आएगा ऑन फ्रिज। हाँ अरे गुरु जी तोरे पैसा ना है काहे ऐसा तू बतेवला हमारे सामने ला चाहे लीवा चाहे दिलीवा का कहा तोरे खजाना में खजाना में देखा मेथी है भंटा है पलकी है धनिया है पकौड़ी वाली प्याज क्यों बना के मैं कोनो आइटम दे सकला बनर बनावल चला हमारे घर हम बना के आई तोरे घर चला तब कैसे यहाँ बना के हम खियाई वह तो अब घरे में जाते है मेहरारून का पारा हाई हो जाई मेथी देख के काटी के बराई ठंडी है कुछ पहन के निकल करा अब बस घाम मार में गर्म हो जाला कुछ भीग जाला तू सुटरवा धरब कहाँ वैसे ना पड़ी ये कैसे कैसे 10 रुपये गड्ढी है ना बाभन है सुना आदमी जी एक कहानी देखा हम यो जानी ला बबने के लड़का कुछ न जानत रही और टल्लू घी में गिरा गई वहाँ पहुँच गई। बताइए मैं कितना गरीब यूट्यूबर हूँ, न फ्रिज है न वॉशिंग मशीन है न ओवन है न हीटर है घर में। लाओ जी लाओ आज बनेगा मैगी, किचन में बने है मैगी। एक बार फिर से हमारा किचन कितना हरा और लाल है अच्छा लगता है जब सब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और ये गेट टुगेदर मुंबई में भी होना चाहिए। और अभी देखिए आलू दम की तैयारी चालू है बनी ना। हाँ, आलू दम बने और क्या ऑप्शन है अब वो बना रही हो मैगी दो नाश्ता है ना मैगी भी है आलू दम देखो जो लोग एकदम मस्त हरा मसाला के साथ आलू दम ले गया ना आज। हाँ अभी तो मेरे घर में मिठाई की कमी नहीं है, इसीलिए आप लोग अगर ब्लॉग देख रहे हो तो आओ मिठाई खाने को मिलेगा बहुत सारा। मम्मी का सूटकेस खोल के मैं देख रहा था, देखिए पूरी मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर की पुरानी यादें। ये सूटकेस में थैली भी रखी हुई है तो समस्तीपुर वाली। सूटकेस में जो पेपर बिछाया था मम्मी ने वो 99 का पेपर है कि पहले देखिए पहले ये आज पेपर मिला करता था और इतने चौड़े होते थे, अभी इसकी चौड़ाई कम कर दी गई है और पता नहीं आज वाला पेपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और प्राइस इसका था 3.50 रुपये जिस मुजफ्फरपुर चलचित्र ये सारे थिएटर थे जिसमें से शायद ही कोई अभी चालू होगा। शेखर में गया, श्याम में गया, दीपक, अमर, सोल्जर देखिए पप्पू में लगी थी। यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये पिक्चर का बिल्कुल पोस्टर के साथ 2 नवंबर का पेपर है और शाहरुख खान जी का बर्थडे है उस दिन, तो ये पेपर वाकई बड़ी कीमती है। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं बाज़ार अभी बच्चों को थोड़ा सा कुछ नाश्ता पानी कराने के लिए, बड़े एक्साइटेड रहते हैं और यही उनके लिए मनोरंजन है कि बस शाम के टाइम पे बाज़ार निकल कर समोसा खा ले, बस हो गया पार्टी मन गई और मेला देख लिया।
कमारे नहीं। सुरभि अपना स्वेटर लेकर नहीं आई थी, तो अभी हम लोग एक शॉप पे ये स्वेटर देख रहे हैं। छोटा सा ही है लेकिन काम की चीज़ें मिल जाती है यहाँ पे भी। पेटीएम हाँ ये पैक कर दा। ये दो लेके आया, दोनों में से कौन सा तुमको फिट आएगा? हमको ओ ये कलर मुझे अच्छा लगता है तो वही ले लो। तुम आई नहीं हो, तुम्हें लाया गया है। मकड़ी का जाला साफ कर रहा है। तुम्हें तीन दही बोलोली, तीन दही तुम्हें बोलोली लली, तीन दही बोलोली। अल्लाह तो का हम इतना खाली हैं, गजब बेइज्जती है। हम तुम्हें कम पैसा दे, इसका अपॉइंटमेंट लेगा तो वह बता दा। हमार कट्टी की ना नहीं फिर ये लभी सपू भैया बनावे खा, फिर है चार पाँच जन विक्रम बनावे खा। खड़े बेइज्जती है यार, बम्बई वालन के बनौते है ना हुआ दाढ़ी बाल, खाली गाँव वालक बनावा है। चलो भाई नंबर आ गया है, वन ऑफ द बेस्ट सैलून, जल्दी अपॉइंटमेंट मिलता नहीं है। किस्मत हमारी अच्छी है कि मिस्टर आरिफ का अपॉइंटमेंट मुझे मिल गया। एक बार हकीम आलिम का अपॉइंटमेंट मिल सकता है लेकिन आरिफ जकारिया का अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल है। आइए देखिए, बिस्लरी पानी से दाढ़ी बनाई जा रही है। और ये बड़ी पुरानी परंपरा है कि एक बार आप बुला लीजिए दाढ़ी बनाने के लिए और घर में जितने भी लोग हैं सबका एक साथ बन जाएगा। पिछली बार से थोड़ा अच्छा लग रहा है, इस बार इनके पास मशीन नहीं है नहीं तो और अच्छा बन जाता ये। हाँ तो मशीन ना है ना, मशीन लेवे का, मशीन ले ले तब देखा तहलका मचाई। तो रेट कार्ड का है? रेट कार्ड 15 रुपया दाढ़ी, 20 रुपया बार, कुल मिलाई के 50 रुपया लेब, लेकिन हिसाब से गवाही आने हो। हाँ। और दाढ़ी में कैसे तू तो जो क्रीम व्रीम भी रखा ला ना? रखी ला लेकिन का गवाही में भी है तो हल लगन बेच चल जी बस हर बजार के हुए बुढ़वा थोड़ा बार लंगड़ा फंगड़ा तो ही है। हाँ। वही हिसाब से समान रही ना हो। अब एक दिन के वाई गल तो करे बदे कहा ला कि खराब करा, समझे तो ना बात कम का कहे जात ला। समझ गए समझ गए। चलो गाइस चलो चलो चलते हैं राशन लेने के लिए, यहीं पास से राशन लेना है और साइकिल से लेकर के आएंगे। हाँ बैठ जाओ। जोगिंदर साहब यार काटा डिस्चार्ज हो गया, काली चेक फोन मतलब अब कल सुबह ओके मैं फिर दोबारा के आई हूँ। ठीक है ले लेना कमान। हम लोग बड़े गरीब आदमी हैं भाई, देखे जो गरीबी रेखा से नीचे जो जो रहते हैं उनके लिए जो है ये राशन सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो हमारा क्या है, राशन कार्ड देखिए बना हुआ है, लेकिन राशन कार्ड ये जो राशन है लेके किसी ज़रूरतमंद को दे देते हैं, तो आपके जो हिस्से का है वो लीजिए, बाकी आपकी मर्जी, आप उसको बेचिए चाहे किसी को दीजिए। ऐसे ही मैंने वो टैबलेट के लिए अप्लाई किया था कि मिल जाएगा तो ओके, टैबलेट के लिए अप्लाई किया था, अगर मिलता तो किसी और को मैं दे देता लेकिन मिला ही नहीं। कहाँ भैल आदत छूट गई। जब राशन कार्ड बनता है ना तो सबको इस तरीके का राशन इशू होता है, और देखिए राशन में है भी क्या, पहले तो चीनी गेहूं दाल ये सब हुआ करता था, अभी तो सिर्फ चावल है, क्योंकि गांव में जितने लोग आते हैं उनको बाँट भी दिया जाता है, कोई मांगने के लिए आ गया तो ये भी हम बाँट ही देंगे, इतने पे मेरा अधिकार था, अब इसके साथ हम चाहे जो भी करें। चावल लो चावल, देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे धान रखे हुए, चाहूँ तो एक बोरिया ये भी भर के डरा लूँ, बस ये भी चावल हो जाएगा। देखो अरे बाप रे, ये वही है मेरे खेतों के सामने वाला ब्लैक सॉल्ट। हाय हेलो जेंटलमैन, कैसे तो घबरा जल्दी। बेस्ट सैलून है गांव का, सबसे बेस्ट सैलून, 20 रुपये में बाल कटाइए, 15 रुपये में दाढ़ी, इनके लगे टाइम है ना, हमारे कैसे तो छोल छाल के भगने कहने पांच जने अभी जो पाइपलाइन में हुए। अरे भैया बहुत व्यस्त है हमारे गांव का, बिल्लू बार बार हुआ बिल्लू बार बार। ये पान नहीं है, ये बर्फी और ये देखिए पेड़ा, देखिए
इतना सा पेड़ा लाए हैं, एड़ा बना रहे हैं? नहीं नहीं, ये सैंपल आया है, सैंपल सिर्फ टेस्ट के लिए कि भाई इसको खा के चेक करेंगे, इसके बाद जो अच्छा होगा वो आएगा, लेकिन पसंद दोनों नहीं आ रहा। यूपी का काजू कतली है ये? ये काजू कतली दिया है, बेवकूफ बनाया है। कैमरा गर्म हो गया, जल्दी से खोलो यार, नहीं तो समोसा ठंडा हो जाएगा, कैमरा गर्म हो जाएगा। टेस्ट करो यार, देखो कौन सा अच्छा है। पेड़ा बहुत बढ़िया है। लो, अच्छा मौक मिली, चलो भाई वीडियो बनाने का फायदा है ये। देखिए फूड ब्लॉगर को जो है खाने की कमी नहीं है। तो पहली है, तीन टांग की तितली नहा के निकली, बताइए क्या है, बताइए। ये चटनी कहीं नहीं मिलता है, खुनवा मर्चा। देखिए वाह वाह, देखिए खड़े खड़े एकदम गाँव में समोसा पार्टी हो गई। दिनेश भाई का एक जो है बहुत अच्छी आदत, आज हम कई साल से देखा था, इनका ड्राइविंग सबसे तगड़ी रहे, आराम आराम से चलावत रहने, गाड़ी स्लो चलावल जाला, हम यहीं से जो है देख के सीख ले रहे। पिछली बार 72 रन पे आउट हो गए थे यार, अब अच्छे से खेलेंगे, सेंचुरी मारेंगे। अब क्या लोगे बताओ, ला दो। ये देखो बॉल ही खो गया, अरे मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है बॉल कहाँ है, और तुम लोग वहाँ पहुँच के नहीं दिखाई दे रहा है, बताओ कैसे काम चलेगा, कहाँ है? आपको तो वहीं से दिख रहा था, जरा बताइए कहाँ पे है। वही तो देख रहे हैं कहाँ है, झूठे भैया, बॉल घूम गई, क्रिकेट खाता हम फ्रेंड्स। देखा है कहाँ था ये हरकत, तो आते वहीं पे आते आपके मैदान, आउट है, चलो चलो अब मेरी बैटिंग आ गई, तेरा दूध भात है। फील्डर चपान था एकदम, देखो लोग फिर से बॉल हरवा दिए। अरे यार जल्दी ढूंढो, क्या टाइम पास कर रहे हो तुम लोग? चिराग चोली वेट कर रहे हैं। हाँ लाओ लाओ लाओ, नाउ नाउ इट्स अ लंच टाइम, इट्स ए लंच टाइम, करेक्ट? नो, इट्स अ लंच टाइम, इट्स अ लंच टाइम, ठीक? अबे आता नहीं ऐसा दिखा रहे उसमें। मुझे नहीं आता अंग्रेजी। इट्स अ लंच टाइम, इट्स अ लंच टाइम, इतना फोर्स क्यों कर रहे हो, ये को बहुत ज्यादा जोर नहीं दे रहे हो? फोर्स तुम कर रहे हो, हमको सुधारने की कोशिश कर रहे हो, मार फोर्स कर करके। चलो हड़ा हड़ा ला, देखो देखो गाइस, सुरभि रोटी पों रही है। चिमटा से जो है मेरा नाक मत पकड़ो, अभी चाची देख लेगी तुमको डांटने लगेगी। कल सुरभि चिमटा से मेरा नाक पकड़ रही थी, तब तक पकड़ने जा रही थी ऐसे दूर से, तब तक चाची देख रही है मेरे लड़के का नाक पकड़ रही है चिमटा से। दीदी इनका खाना निकाल दीजिए ना। देखा तो है दीदी कहते हो। देखिए यही वो जगह है जहाँ पर हमारी जो है अभी कुछ दिनों में एक और भाभी आ जाएगी, तब कल ही आएगी एक भाभी, और फिर ये किचन एकदम भर जाएगा पूरा। इस किचन में खास बात ये है ना कि जब सब लोग रंग बिरंगी साड़ियाँ पहन के आती हैं, लाल पीली नीली, तो कलरफुल किचन दिखाई देता है फिर। सो गाइस अभी मैं हो रहा हूँ तैयार, शादी का सीजन चल रहा है, तीन शादियां हैं गांव में, और देखना हम आज शाम तक तीनों शादियां निपटा लेंगे। तीनों शादी के बाद आपको बताएंगे कि सबसे बढ़िया जो है छोला समोसा कहाँ का था। अरे तो दूल्हे को, तीनों दूल्हे को क्या एडवाइस दे, क्या होगी एक अच्छी नसीहत? दूल्हे से तो मेरी मुलाकात ही नहीं होगी, मैं बस कहूँगा ढक्कन कब खुलेंगे, जल्दी से खा पी के निकले, ठंडी का मौसम है। नसीहत एक्सपीरियंस बनता है, कोई नसीहत नहीं है गाइज, बस खाओ पियो एंजॉय करो, बस यही लाइफ है और कुछ नहीं।